कभी ऐसा हुआ इस गत्ते पे किसी ने 3 हरफ लिख दिए हो? कई बारी लिखें। क्या देखा? दौर फिटिंग। इनको ऐसे यकीन नहीं आएगा, लिखकर कोट के ऊपर वाली जेब में डाल दीजिए। मेरा ख्याल है ये नुस्खा आप इन चारों मरीजों के हवाले कर दीजिए। नहीं तो चौथा तो बेचे है ही कोई नहीं। आप नहीं? लो मैं वो देते थोड़ा मरिया खड़ा। क्या मतलब? मैनू तो जिंदगी मारी खड़ी है जी। ऐ जिंदगी बड़े कड़े कड़े इम्तिहान लेती है। इसे हवा में उड़ने का बड़ा शौक है। ओ बीबी मेरी मानो तो इन दोनों को छोड़ के उस तीसरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ो। हुन रहन दो आशा जी, मैं हरे की जेन बना के बैठा सा, हुन ते मूड ही चेंज हो गए। क्या जेन बना के बैठे थे? चेकअप के लिए कौन सा जेन होता है? इन्हां ने लड़ाई ही नहीं की थी। ओ वेखो किंज बैठा है, एहो जे काउंसलर अपना वोट बेच के शराब पी लेंदे। 10 मिनट पहलों उत्थे खलोती सोहनी लगन दई सी, हुण इंज ही लगन दे जिवें टिकटां चेक करन आउण लगी। ऐस मंजे दा पहला हक के मैं तैनु दसी खड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? अय्याश बुढ़े जरा इधर होके बैठो। इधर होके बैठो। मैं नहीं चढ़ना बोलदा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। कच्ची हो गई तेरे नाल। शट अप। जेड़ा बंदा मंजे ते ही आ गया ओदा डॉक्टर ते ज्यादा हक है। आपको कोई बीमारी नहीं है और जो बीमारी आपको है ना उसका इलाज सिर्फ छितरौल है। छितर ही मार लो जी, असा तो सिर ही डाना है जी। ओए जी उन्होंने छितर मारे ना तो फिर सिर ते नहीं मारने। डॉक्टर साहिबा ये खुश्क खांसी का क्या मतलब है? वही बात हमने कहा था ना, इसमत चौथाई के लिहाज से ज्यादा लीचड़ तबीयत के हैं। अगर मैं इसमत चौथाई का लिहाज हूँ ना तो आप मंटो के चोगत की तरह चंपाट हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग अच्छे खासे खाते पीते घरानों से यहाँ इस बोल्ड होम में क्या कर रहे हैं और क्यों आए? भाई गमे दौरान से सताए हुए यहाँ आ बसे थे कि कूचाए दिलदार से हमारा जनाजा ही उठेगा, लेकिन उन्होंने तो हमारा सुकून ही महाल कर दिया। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, बुरा नहीं कोई जमाने में। फिटे में ताड़ा गल्ला जी टाइम जाया करता, उठ काकी मैं तेनू घर छाड़ा वा। इनू लैके तू आया? ओ लैके ते पता नहीं कौन आया, ओ मनु ओदे ते तरस आउण लग पिया, मैं कहा इनू घर ही छाड़ा वा। ओ जे ए चले गई तो साडा ब्लड प्रेशर केस वेखना है। हमारे घर बार छुड़वा के तो अब तुम इसे घर छोड़ के आओगे? लानत है जनाब आप पे। ये घर चली गई तो असियत है कि गिटका पड़ेंगे। हाँ नहीं वैसे माहौल तो बना हुआ है, अगर मंगवा ले तो ज्यादा ही बेहतर। उफ, उम्र के इस हिस्से में किस बंजार खाने में फंसा दिया है मुझे। किसने फंसा दिया भाई? लगता है जाहिलों का मुशायरा हो रहा है। अच्छा। मैं इसे देखते ही समझ गया था ये मनहूस फंसा हुआ है। तू कौन है चड़ेलों के फंक्शन बुक करने वाले? लगता महल वाले डांस पसंद नहीं आया, उन्होंने छित्र मार मार टेंड करती। कान पड़ी सुनाई नहीं देती? कान पे पड़ी सुनाई देगी। जरा धीमे लहजे में बात कीजिए ना। क्यों जी आपके पित्ते में स्वेलिंग है? क्यों धीमा बोले, तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन हुआ है क्या? या छोटे छोटे 6-7 हो चुके हैं? या तेरे बच्चे काम तो आगे सुते हैं? पूरे के शहर में अकेला आदमी रह गए हैं हम। हाँ जी इन जैसे आने बंद हो चुके हैं। तो तू आदमी हो, छोटी जी गलती तो 200 डांग खान आ रहे हैं। ये नस्ल तो वाकई अब नायाब हो गई है। तो वाकई अकेले हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने जानवरों वाले चैनल पे देखा है। महाराज आदा। आदा बरसे सवेरा, तुम यहाँ? सवेरा इनका नाम तो शीन है। आपके लिए शीन होगी लेकिन वो हमारे लिए तो सीन है सवेरा, और ये नाम भी मैंने ही इसका रखा था। क्यों? जब ये पाँव थरकाती है तो सवेरा हो जाता है। अगर इनके पाँव में मोच आ जाए तो सारी जिंदगी हनेरियां च टकरा मारेगा। जब ये परफॉर्म करती है रात के पोशीदा आंचल में थके हारे कलियां अपना तबस्सुम बिखेरती है। ये मेरी वो होनहार शागिर्दा है सवेरा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। डॉक्टर साहिबा ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम भी पूरी बात कर, मैं तुझे लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो, मैं भूखों मर रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो कमबख्त, अगर तुम सवेरा को साथ लेगे हमारी जिंदगियों में तो अंधेरा छा जाएगा। क्यों ताड़े घर बल्ब कोई नहीं? और जे तू सवेरा नु ले गया तो मेरा ब्लड प्रेशर कौन चेक करेगा? ओए आया कित्थों है, ओए कच्चियां कन्ना नु टकरा मारन वाला। ये जो आप इतनी देर से ब्लड प्रेशर देख रही हैं, हम
वो सच है या ये सच है? दा थई दाता थई दा थई ताता थई ता था ताता था था थई ताता थई पाकड़ गिन्ना पाकड़ गिन्ना पाकड़ गिन्ना पाकड़ गिन्ना ताथा 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 ता थई एक्सक्यूज मी तगड़ थई तक तक दिन तनक दिन दिन तागड़ा तागड़ा धूम तनक दिन दिन तागड़ा तागड़ा धूम तनक दिन दिन तागड़ा तागड़ा धूम क्यों नहीं जा सकते भाईजान और असि इत्थे ही रहना है भाईजान अस्सलाम वालेकुम भाईजान सलाम पेश कीता भाईजान तगड़ा तगड़ा तविता सत्ता ढेईयां ने भाईजान बड़े मेले लाए होए ने भाईजान ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚ ਮੇਲਾ ਲਾ ਬਈ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਉਜਾੜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਕਤਲਮ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿੱਠੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਲਾਸ ਬੰਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ये होया चाचा गुआंडे साडे कोलो भाईजान बहुत ऊंची बात करते तो मेरा तो कान का पर्दा ही हिल गया है गल दरअसल है कि ये भाईजान दो मिनट ले बाहर की गए हैं तुसी पीछे सारा काम भी खराब कीता होया भाईजान मतलब आप हैं कौन जनाब बहुत अच्छे यानी कि तुसे भी सानू नहीं पहचान रहे हैगे भाईजान नहीं नहीं पहचानते जिन्ना दा मेला ही उजड़ जावे उन्नु कौन पहचानदा हैगा जी कौन सा मेला जिंदगी भी एक मेला ही हैगा भाईजान मेला जिंदगी का ही होता है मौत का मेला थोड़ा ही होता है कहां से आ रहे हो कौन हो तुम मौत का कुआं होता है जो मेले में होता है हां वो मौत के कुएं से तो वो आ चुके हैं साडा ही दोस्त है आशा जी फालां कड्ढन वाले तोते किराए ते देंदे है या फिर गालां कड्ढन वाले खोते किराए ते देंदे बस कर दियो भाईजान बस कर दियो ते तुसे भी सुन लो भाईजान इस ओल्ड होम दे विच सब तो पहले मेरे बच्चे ने मेनू सुटया हैगा सी क्या हां जी ये ओल्ड होम के इस मेले में पहला तंबू इन्हीं का लगा था भाई ये ओल्ड होम नहीं है बोल्ड होम है ये बोल्ड होम भी नहीं हमारी मौजूदगी में तो ये गोल्ड होम है जी क्या ये इसी बोल्ड होम में रहता था जी हाँ तो इसे निकाला क्यों है यहाँ से ये कमबख्त लाइने करवाता था लाइने इसको तो वो तो आप सब भी करवाते हैं हम तो लाइने करवाते हैं ये कमबख्त तो लाइने लिख कर दे दिया करता था जो देते असर होने लगा असी इन्हू काटता असर बीबी अभी मैं जानती है ए मोया मेनू खून नाल खत लिखदा सी अपने हां अपने खून नाल एने खत लिखे एने के एदे रेड ब्लड सेल खत्म हो गए मैं डर गई नु काट दे आप डर गई क्यों मैं किधर फड़ी ना जावा यही तो मुसीबत है कि ये फड़ी नहीं जाती बहुत कोशिश की थी चीन आप इन्वॉल्व थी क्या ए मोया नु खून दी कमी सी तो मैं नु खून दी बोतल लांदी सा तो उसे बोतल दे नाल मैनू खत लिखदा सी तो आप चेक नहीं करती थी कि बोतल लगी है या नहीं मेरे सामने ते लवा लेंदा सी ओ बाद च खून कट के लिखदा सी भाईजान सानू खून चाहिदा सी बोतल नहीं सी चाहिदी हैगी आपको खून क्यों चाहिए था भाईजान खत लिखने हुंदे सन ना एवें नहीं कुड़ियां बसाई जांदियां भाईजान हद तो हदाकत नाल कुड़ी इंप्रेस हुंदी है भाईजान मोहब्बत के शौक में इनकी ठोडियां लटक गई हैं लाले टपक रही हैं जुबानें लपक रही हैं लेकिन मोहब्बत का सलीका नहीं आया तुहानू की पता मोहब्बत की हुंदी है भाईजान पूछो सवेरा कोलो मोहब्बत हासिल करने के लिए अपने अंदर मिठास पैदा करो शीरा खुद ब खुद खींचा चला आएगा हम चाहते हैं शीरा नहीं शीन खींची चली आए शीन वो बैठी हुई है शीन को ज्यादा खींचेंगे तो हम शीरा वजूद में आएगा लफ्ज इस रौले दे विच मेरा ब्लड फेर लो हो गया जे भाई वो उठाओ इसे और ले चलो अस्पताल ये लगता है अब बुरी हाँ। बात है मैं सबके सामने उठाऊं और फिर बाहर लेके तो मेरा ब्लड चेक कर सारे सवेरा दे बारे गल देते हैं असि आप जो कांगे अनु एक सेकंड आप सब खामोश रहिए शीन खुदा ना खास्ता इनमें से किसी के साथ कोई मामला तो नहीं देखिया ना आपने दस दियो भाईजान मौका बने होया है अपने इश्क दा मसौदा सब लोग भाईजान जी ले अपनी जिंदगी बता दे सबको क्या शीन है ये हटिए है शीन से शर्माइए ना अगर नाम नहीं लेना तो इशारा कर दीजिए खामोश बता दो शीन के तुम मेरे बगैर जी नहीं सकते मैं लानत पानी ने लफंगिया नाज़रीन लेट्स टेक अ ब्रेक स्टे विद अस